पे लोग बन गए। अभी भाई खड़ा हो यार बहुत अच्छे से। ये मेरे हम लोग अरे हेमंत भाई आगे जाइए थाने में हमारे भैया हैं थाने में आए हुए हैं आगे बहुत ही दूर दूर तक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बंधन है। यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। लोग आए हुए हैप्पी बर्थडे भाई के दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पे केक की भी फोटो आती रहे भाई, नहीं तो गलत से लग जाएगी। विदाई किसी और की है तो आपकी दिखाई पड़ जाएगी। सामने देखो, सामने देखो, ए सामने देखो, केक की फोटो सामने मत देखो यार। अरे ये इधर देखो, हमारी फोटो की थी यार। हां उतार दो, मंगलों की विदाई है उनको करना। जाओ चला जाओ तो ठीक से रख के जाओ। वो हो सकता है देख लो जी। संबोधित करेंगे
हेलो हेलो हाँ सब लोग आ जाइए 2 मिनट और यहाँ पे एक हमारे बीच के जो हमारे साथी हैं स्थानांतरण जानते हैं कि आना जाना हम लोग के विभाग में लगा हुआ है नौकरी का पार्ट है और कमलेश भाई और हमारे दरोगा जी जो है रमापत जी आप दोनों लोगों का जाना एक समझ लीजिए कि एक होता है ना कि कहीं कहीं बहुत चहेते लगी एक पिता के 4 पुत्र होते हैं एक पुत्र बहुत प्रिय होता है 3 ना खादे टाइप के होते हैं उनको इतना खादे वालों को भी पिता नहीं चाहता कि इनका भी कोई नुकसान हो लेकिन प्रिय वाले को पिता 24 घंटा ध्यान में रखता है तो मेरे लिए कमलेश जी का जो रिलेशन था वैसा ही था और मैं भविष्य में उम्मीद करूंगा कि आप जहाँ भी रहिए ऐसे ही बन के रहिए कि आप हर ऐसों के लिए कमजोरी बन जाएंगे आपका जाना है मुझे दर्द मतलब बता तो रहा हूँ कि पुराने 3 पुत्रों को भी मुझे उतना ही मोह है जितना आपका है सबके लिए उतना ही है लेकिन आपका एक जाना मुझे दर्द दिल में दर्द दे रहा है और इसीलिए मैं आपका वेट कर रहा था कि एक यादगार पल एक फोटो हम लोग के साथ में हो जाए यही यादगार हम लोग के बीच में रहता है मैं ईश्वर से कामना करूंगा क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका था वो भी बड़ा अच्छा था और पूरे थाने में किसी भी कर्मचारी के मुँह से मैं कभी ये नहीं सुना कि कमलेश साहब ने ऐसा कह दिया सभी कमलेश साहब की तारीफ करते थे और दूसरी चीज ये है कि हम लोग नौकरी करने आए हैं पुलिस की नौकरी में तमाम चीजें आती जाती रहती है तमाम बहुत लोग 90% लोग ना यहाँ डर जाते हैं हम तो सरकारी काम कर रहे हैं सरकारी काम कर रहे हैं एक दरोगा ही ऊपर तक के बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी करता है एक छोटे से लोगों की गिरफ्तारी करता है तो हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए और कमलेश जी के अंदर हमने वो चीजें देखा यहाँ आदित्य के मुकदमे में किसी दरोगा को जब देता हूँ तो पहले उसका खून सूख जाता है उत्सव बहाना कर मैं तो देख चुका 2 साल से मैं देख रहा हूँ लेकिन कमलेश जी ने मुझे कभी नहीं कहा कि साहब ये मुकदमा मुझे मत दीजिए ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं भी इनके साथ छाए की तरह था कभी महसूस नहीं होने दिया चाहे जितने भी संकट आए मैंने ये नहीं महसूस होने दिया कि नहीं मैं विवेचना आपके ऊपर मैं किनारे हो गया तो आपका जो रोल था वो मुझे जीवन भर याद रहेगा और मेरे लिए अगर कभी कोई आपके सहयोग कभी याद करेंगे तो एक भाई के रूप में हमेशा आप पाएंगे आप मेरे दिल में एकदम जगह बना दिए हैं और ऐसे ही आप सभी लोग मैं कोशिश करूंगा जितने हमारे और साथी हैं आप भविष्य में ऐसा ही काम करके आप जाएं तो लोग आपको याद करें देखिए डांट फटकार तो एक बताएंगे पितृवत में मानता हूं भाई की तरह मानता हूं तब डांट देता हूं कभी नुकसान नहीं करता और हमें आज कप्तान साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आज मेरे कप्तान साहब ऑनलाइन मीटिंग करते हैं उसमें 3-4 लोग बैठे थे हमारे सामने इसलिए मैं सबको बता देना चाहता हूं एक दरोगा जी ने कहा कि साहब हमें नहीं आता है कप्तान साहब ने कहा कि 90,000 तनख्वाह ले रहे हो और काम के लिए काम चोरी बता रहे हो नहीं आता है तुम्हारे खिलाफ मैं शासन को लिखूंगा कि ये दरोगा के लायक नहीं है तो मुझे उनकी बात देखिए हम जो आपको हमको अगर इतनी बुद्धि सद्बुद्धि ईश्वर ने नहीं दिया है कि हम जिसके लिए वेतन ले रहे अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए और सो करके मोबाइल में ऐसे भी दिन कट जाता है तमाम लोग 80% काट रहे हैं लेकिन मैं आज फिर बता रहा हूँ कि उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं होके रहेगा अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे बढ़िया रहे परिवार बढ़िया रहे तो जो वेतन ले रहे हो उसको सोचो और काम बढ़िया से करो आज कप्तान साहब मेरे मतलब दिल में मुझे एकदम भगवान की तरह लगे जब उन्होंने उस दरोगा को डांटा कहा कि तुम्हें अब शासन को लिखे हम बर्खास्त कराएंगे लिख देंगे कि ये अनुपयुक्त है दरोगा लायक नहीं है और वो सारे दरोगा सारी बोलने लगा तो कोई काम ये नहीं कि हमें नहीं आता है ऐसा मत आप लोग पुराने जो नए दरोगा जी लोग हुए हैं ऐसे आप ही लोगों के बैच के थे एक ना कहीं हम 90,000 से 1 लाख वेतन ले रहे हैं उसके लिए हम फिट हैं वो काम बताया जाए तो हमें नहीं आता है ये काम कभी ना कहीं और बाकी कमलेश साहब से आप लोग सीखिए कैसे थे क्या थे इनके जाने का दर्द मुझे हमेशा रहेगा धन्यवाद और मैं तिवारी जी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे हमेशा अगुआ रहे थाने के बड़े भाई के रूप में जब से मैं आया तो आपसे भी मैं वो करूँगा कि एक बार आप अपने शब्दों से हमारे कमलेश जी को और जो परवान हमारे जा रहे हैं इनको आशीर्वाद दें हमारे अन्य साथियों को भी धन्यवाद क्या कहें शब्द नहीं है आपके लिए बहुत सुंदर ढंग से आपके द्वारा थाना संचालित होता है समाज संचालित होता है प्रेम और भाईचारे का ये बड़ा सुंदर चित्र हमारे सामने है और विशेष रूप से आज हम ध्यान में करके केंद्रित करें कमलेश साहब और यादव जी जिनकी आज थाना साहब की आज गिराई हो रही है तो मैं नहीं समझता हूँ यहाँ उपस्थित कोई व्यक्ति चाहे जनता के बीच का हो चाहे स्टाफ के बीच का हो किसी को कोई शिकायत होगी इनसे बल्कि कमलेश साहब के साथ कई बार जब काम के सिलसिले में बैठने का अवसर मिला जितना हम्बल बिहेवियर जितना फ्रीडम बिहेवियर जो एक आदरपूर्ण व्यवहार होना चाहिए मैं निश्चित रूप से उसका कायल हूँ और आपको भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आपके मंगलमय भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ करता हूँ आपके लिए और यादव जी के लिए साहब के लिए और भी जो
तमाम सब लोग आते हैं जाते हैं, ये तो जाब ही इसी तरीके का है, लेकिन आते जाते रास्तों में यादें छोड़ जाता है। आप लोगों के सुंदर अच्छे कार्य यादों के रूप में हम लोग बीच में रहते हैं, उन्हीं बहाने आपको याद करते हैं। साहब ने कुछ बातें बहुत अच्छी कही है, एक सिपाही होने के नाते, दरोगा होने के कारण, इस फोर्स में आने के कारण आपको विशेष अवसर प्राप्त हुआ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बड़ा सुंदर इस समय शासकीय स्तर पर भी परिवर्तन हो रहा है कि पहले आप लोगों का कार्य था दंड देना, दंड विधान से आप अनुशासित थे, अब आपके हाथ में न्याय दंड आ चुका है, अब आप न्याय देने के लिए हैं। और इस भावना के साथ, ये केवल भावना का परिवर्तन आपके पूरी दिनचर्या को बदल सकता है, आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। जो पुलिस समाज में खौफ का कारण हुआ कर सकती थी, वो विश्वास का कारण हो सकती है। और आने वाले समय में आप जैसे अगुआ, आप जैसे प्रशिक्षण देने वाले और आप जैसे दक्ष लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो एक आदर्श स्थिति हो सकती है, जो हमारे पुलिस को शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसके माध्यम से समाज की कितनी सेवा की जा सकती है, कितना न्याय प्रदान किया जा सकता है, वह सब कुछ उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने जो भाई हैं कमलेश जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने साथियों के बीच में जो आपने अनुभव किया और आपका आशीर्वाद इनको दीजिए कि कैसे काम करें, कैसे रहें। आदरणीय बड़े भाइयों को प्रणाम, आशीर्वाद। मेरा कार्यकाल बहुत कम ही रहा, लेकिन इतने कार्यकाल में मुझे बहुत यहाँ अच्छा लगा, सभी से मुझे प्रेम मिला और मुझे यहाँ कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रभारी साहब भी मुझे बड़े भाई के रूप में मानते थे, उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग किया, विषम परिस्थितियों में भी मुझे विचलित नहीं होने दिया। इसी के साथ मैं अपना नाम भाषण समाप्त करता हूँ। साथ ही एक बात मुझे याद आ गई, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हम लोग साथ में जब एक मामला चला था आरिफ वाला, डीएम साहब वाला, इनका भी नाम था, हमने कहा कि आगे आगे मैं हूँ लड़ाई में, जो होगा मैं देखूंगा, आप चिंता न करिए। बहुत हम लोग कई बार हाईकोर्ट गए गए, रास्ते में जैसे बातें होती थी, थकान जैसे ऊपर लग जाता था, तो हमने कहा कि कमलेश जी देखिए, कुछ हम लोग का पूर्व जन्मों का कर्म का वो दंड है वो मिल रहा है, और हो सकता है कि कहीं और जगह होते तो इससे भी ज्यादा नुकसान होता, या तो केवल मानसिक पीड़ा मिल रही, कप्तान पीछे खड़ा हम लोग। और फिर मुझे साहस मिला, इन्होंने कहा बिल्कुल सही कर, ये थोड़ा सा निभावुक हुए थे। मैंने कहा कि हमारा कप्तान इतना बोल्डली सपोर्ट कर रहा है, पीछे खड़ा है, और कहीं और जब लोग होते हो सकता है कि उससे भी बड़ा दंड मिले, मोदी को कोई टाल थोड़े नहीं पाता, तो उतनी मानसिक पीड़ा हम लोग को लिखी थी वो मिली, और बाद में हम लोग के पक्ष में ही सब कुछ हुआ। और बढ़िया है, वो चीजें मुझे भी याद आने लगी कि हम लोग रास्ते में ही बात करने लखनऊ जाते थे, फिर वापस आते थे। अरे बोलिए, आपका अनुभव बहुत है। अरे पहलवान जी बड़े सज्जन और बड़े अच्छे, चाहे जितनी भी इनकी तारीफ कर दिए सज्जनता के लिए उतना कमी है। और पहलवान, मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही आप हर जगह हंसते मुस्कुराते बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत करिए, आगे की नौकरी भी ऐसे ही काटिए जैसे यहाँ कटा आराम से। ठीक है, सब लोग चलिए, अब पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद खाना अब लगा हुआ है, सब लोग खाना खा के ही जाएंगे, साथ में खाएंगे, जो बाहर से भी हमारे बाजार के भी भाई लोग आए हैं, सब लोग खाना खा के चलिए, पत्थर उठाइए, आप लोग आइए।